हाँ बाबू जी, हम भोजपुरी बिरहा लोकगीत गायक राम जन्म बॉर्डर वाले, अरे वाह, और हमारे साथ में सहयोगी कलाकार बड़े भाई राजवंश जी, हमारे मास्टर साहब चौथी जी, और हमारे कोरस के साथी चिंता जी, और हमारे बेंजो पर बड़े भाई अनिल जी, और इधर कोर्स पर हमारे जय सिंह और भागीरथी जी। ये एक बिरहा आप लोगन के पंकज म्यूजिक नौगढ़ के संयोग से आप लोगन के बीच में भेजत बानी। हमें आशा ना, पूर्ण विश्वास बा कि जैसे सबके आप लोग पसंद कीला, वैसे हमको भी पसंद आप लोग करें। आवा मास्टर, चार लाइन भूमिका में भाव हो। इश्क, इश्क के आग में जलती है जब समा, हो के मदहोश खंजर उठा लेती है, अरे इश्क अपना पराया नहीं देखती, चाह नैनों का सुख उर सटा लेती है, राजभूषण महारानी विद्यावती, अरे रानी लहुरी के राजा बने जब दीवाना, पन्ना मोती पे जुर्मो सितम की कहानी लेखनी, रोती ललता या रोता जमा, इश्क के आग में जलती है जब शमा, हो के मदहोश खंजर उठा लेती है, अरे इश्क अपना पराया नहीं देखती, चाह नैनों का सुखुर सटा लेती है। हम बताई ला पंचों, इश्क में कितना लोगन का घर बस गई, या कितना भैया लोगन के घर उजड़ गई। सही बोला थर भैया। तनिषा एक गजल के नमूना बा मास्टर, कैसे इरादा नजर मिल गई तो इरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल मेरा वो मांग बैठे, कैसे संभले गाउन से मेरा दिल, क्या बात है, क्या बात है, कैसे संभले गाउन से मेरा दिल, अरे हाय ना जाने क्या मांग बैठे, कैसे संभले गाउन से मेरा दिल, भाव लगल इश्क अंधा जो चाहे वो कर दे,
चाहे वो कर दे, अरे उसने अपना बताइला। हो गई है अगर चार आंखें, अरे फीका है उनके आगे जमाना। हो गई है अगर चार आंखें, यो भैया यो, हो गई है अगर चार आंखें, जब नयन चार हो गई लिए बाबू, तब प्यार के आगे जमाना झुक जाले। कहानी ये जे शुरुआत होगल मास्टर नज्म के लाइन बा, अरे सोई थी रानी घर में आंसू लगी बहाने, आए महल में राजा कारण पूछे तो जाने, मेरे नयन के नूरे हैं लाल दोनों प्यारे, मरने के बाद ये सब न जुर्म उतरे सारे, अरे राजा कसम को खाए न लाऊं दूसरी नारी, अरे अब तो फिकर को छोड़ो चंदा मुखी हो प्यारी, अच्छा बाबूजी कहानी बस इतना मिलेला। राजा का नाम चंद्रभूषण और रानी का नाम विद्यावती बतावल जला। दुठे बेटा हुए जौने बेटवन का नाम बड़ा प्यार दुलार से पन्ना और मोती रखते। ए बाबूजी, एक दिन रानी अपने महल में पलंग के ऊपर सूत करके आ रुवत, अखिया से झरझर झरझर आंसू गिरत बा। वही समय राजा इलन कलंक का, ए रानी काहे रोवत तड़ू, तुहे तो कौन परेशानी बा। रानी कहली, ना ये राजा हमके तो कौनो दिक्कत परेशानी ना बा, लेकिन हमार आत्मा गवाही करत बा कि ढेर दिन हम ये दुनिया में ना जियब, सैया हो यदि ऐसन हो जाई ते एक बात काल खोल के सुन ला, जिंदगी में फिर कभी दूसरी शादी मत करिहा, चूंकि सुनले बानी कि घर में लहुरी मतारी आवेलिन तो बड़ा पहले वाला जोन बेटा बेटी रलन उन्हन के बड़ा दिक्कत होला। राजा वही समय कसम खिलन की नारे पगली, अरे ना ए रानी यदि ऐसन हो जाई तो हम कसम खाते हैं कि जिंदगी में कभी शादी ना कराई। ए बाबू, धीरे धीरे कुछ ही दिन के बाद रानी दुनिया के छोड़ के चल बसी। धीरे धीरे 20 साल बीत गया। एक दिन राजा का मंत्री लोग राजा के समझावत हुए, ए राजा एक रानी बिन महलिया सुना लगत, एक काम करता, कलम बोलो, कलम के एक ठे रानी लियो था। कलम कि नहीं भाई, हम तो कसम खा चुके हैं कि जिंदगी में कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। ए बाबू, लेकिन मंत्री लोग समझौलन कि ना जवन सोचत हुआ कि हमारे बेटवन के दुख हुई परेशानी हुई उ ना हुई, चुकी अब का बेटा बहुत सयान हो गिलन। मंत्रियों को समझाने पर राजा चंद्रभूषण अपनी दूसरी शादी करा लेते हैं। घर में रानी एलिम बिरहा में कलैन गीत लगल मास्टर, बाँ।
लेकिन है गीतिया से सुंदर भाव कवि जी लिखल सदिया करा के अपने धारावा में और सदिया करा के अपने धारावा में ले आई रानी राजा जी सदिया करा के अपने धारावा में ले आई रानी राजा जी सदिया करा के अपने धारावा में ले आई रानी राजा जी हाँ हाँ सदिया राजा को उम्र कै साल के बा 60 साल के भइल 60 साल के भइल राजा के उमारिया और 20 साल के चंदा चांद सिबुजरिया राजा की उम्र 60 साल रानी का उम्र 20 साल रानी के चढ़ल जवानी बा राजा कब रहौती बा हो दिल का इच्छा दिल का प्यास बुझ ना पावत हो रानी सोचे थे आखिर कहाँ जोगाड़ लगाई माइंड लगवली तो दुई नौजवान घरवे में मिलन कहले रिश्ता थोड़ा अलग गड़बड़ बा लेकिन फिर दिमाग लगवली कि रिश्ता के छोड़ा लगली जोगाड़ खोजे समय के इंतजार करे लगली आखिरकार एक दिन मौका मिल ही जाता है कैसे मास्टर साहब बिरहा में कलन गीत बदल गई उनका दुल्हा गवना कराई के परदेश चल गिला दुल्हन रोवतिया और कहतिया और गवना करा के सैया और गईला सऊदी अरब शादी दोसरो करब ना गवना करा के सैया गईला सऊदी अरब शादी दोसरो करब ना गवना करा के सैया गईला सऊदी अरब शादी दोसरो करब ना गवना करा के सैया गईला सऊदी अरब शादी दोसरो करब ना ओ शादी दोसरो दोसरो करब ना मन जोग नहीं खा मर मारद
एक दिन मौका मिलल भाई का, एक दिन आए निकलन आज पन्ना और मोती दोनों भाई वो यगनवे में गेंदा खेलत हुए। ए बाबू रनिया भाई के वही यगनवा में बैठल बाया गेंदवा दोनों लड़िकवन का निहारा थे टुकुर टुकुर ताकत थे। अंगने में बैठल रानी आखिया पसार हो कबार गेंदावा पर कोई देहली वार हो गेंदावा के लेके भगली अपने भवनवा हो ललनवा दोनों ना हो सुगनवा दोनों ना त गेंदा रानी देखत रहली एक बार गेंदवा पर झपटली और गेंदवा के लेके घर में हिल गईली। पन्ना मोती दोनों भाई देखत हुए कि माई हमन के गेंदवा लेके कहां जाते पीछे पीछे गईलन आवाज दिलन कि माँ अरे माँ गेंदा दे दो माँ। रनियावा वो जे घरवा में से अपने महलिया में से मुस्कुरा थकल से नौजवान हमके माई मत कहा लोग कहा माई ने लगत ही का समझत देर ना लगल दोनों भाइन के बाबू कलन की नाये माई जो तू सोचत ऊ ना हुई बिरहा में टेरी से भाव हमार अरे अधरवा कली के चूमा भंवरा मस्त जवानी कै लुटा लहरवा अरे लहरवा अरे जब दोनों बेटा बाबूजी रानी का इशारा समझ गिलन कि माई का कहनाम का हो हाथ जोड़ के खड़ा हो गिलन कहले कि माई तू तद मातारी न हो धर्म के मतारी हो तोहरे साथ ही यह न्याय कैसे हो सकेला। रानी कहली कि जब ना हो तो एक बात सुन लालू का कहली जलती आग जवानी का बाबा अरे जलती आग जवानी का जब तूने नहीं बुझाया है अरे खाक मिला दूंगी जिनकी जिगर चोट यह खाया है। भोला भाला दोनों भाई का कटार और फेटा खींच के रानी अपने महल में पलंग के ऊपर रख करके बाबू सुत के ली। आ जब राजा इलन त आवाज देते आवत हुए कहलन काए रानी कहाँ बाड़ू कोई जवाब नहीं मिलल। जब गईलन रानी के पलंग के पास में तो देखत हूँ कि रानी सुतल है खुद की अवलन तब से कह बार रनियावा उठल कहलस का कहलस
खबरदार छूना मत मुझको, अरे खबरदार छूना मत मुझको, गजब हुआ इस घर के अंदर। अरे मुझे चाहते हो या पन्ना फूट गई मेरी मुकद्दर। का भाई लनी कलन की हमके चाहत हुआ कि अपने बेटन के चाहत हुआ। आज तुहार बेटा हमरे साथ बहुत अन्याय कैलन, उ तो हमें अपन आबरू बचाई के भगली ना तो हमार इज्जत अचल ग्रहत हो राजा। कलन ना रानी ऐसन हो ही ना सके, कलन की नाई भइल बा, कलन सबूत हमरे पास बा, राजा के सामने रख देली, राजा जब देखलन तो माथा चकराए लगल। आवाक राजा आवाक हो जाते हैं और जरलादों को आदेश देते हैं कि रानी के जो मांग है उसका पूरा करो। रानी अपन मांग बतावो थी, का बतावली, नयन वो सुख में नयन वो दोनों, अरे नयन वो सुख में नयन वो दोनों, काट कलेजा लाओगे, अरे तब तो अपने चंदा को तुम जियते सन्मुख पाओगे। कलन तब हम जियब नहीं हम मरब, कलन की मरा मत। राजा जरलादन का आदेश दिलन, जरलाद लोग धाई के दोनों बेटन के जंगल के ओर गईलन। जयकलन गीत लगल मास्टर, वही कलन गीत हो, अरे तक कही दा भाऊ, अरे भैया रे जी से, लेकिन तर्ज से बढ़िया भाव गुरु जी लिख लें, अरे हाथ में कटारी लिहले, धई लय लाल चाचा तई दिन देखे के ना मिलत हो चाचा, लेकिन बाहरे दुर्भाग हमहन का नसीब। चाचा हमारी मैया रे होती, अरे चाचा हमारी मैया होती, सजतें सपना
रानी जरलाद कोप काप जंगल में ले जा करके दोनों बेटा के जो न बचवन का खड़ा करा दिलन, अम्यान से तलवार के बाबूजी हाथ मिललन, तब दोनों बेटा रोवे लग। लोर नाथम हाथ बाए पंचो चाचा चाचा कह के कवन कसूर कैली जाए चाचा, आज अमन के माई होती तमन के सपना सजत, लेकिन भरल जवानी में इस सपना संसार हमन के उजड़ल जात बा, दया करा लोग छोड़ दा चाचा। जरलाद भी रोने लगते हैं पंचो, लेकिन एक बात कहलन कि बेटा हमन तो छोड़ दिल जी, लेकिन ई राजा चंद्रभूषण के राज में कभी पाँव ना रखे खोई। कहलन कि ठीक बा चाचा, कबूल बा, लेकिन हमन के लोग बकस। जरलाद पन्ना और मोती को छोड़ देते हैं जंगल में जाकर के किसी जानवर का आंख और करेजा ला करके रानी को संतुष्टि धराते हैं। लेकिन इधर देखें दोनों बेटवा रोवत हुए आगे बढ़ले, तरी सा भाव लगल मास्टर साहब। दोनों बेटवा तो रोते हुए ये बाबू उन्हन के नसीब में तयागी लगल है बा, लेकिन जंगल वो पूरा जलत हो। वन में लागल वन डढ़ावा फूटल हमरो की समस्या, वन में लागल पन्ना सोए सोचे मोती तबले भाई लया घिरतिया, पन्ना सोए सोचे मोती तबले भाई लया घिरतिया, के दर दिया के दर दिया हरि हैं हो पागल बनवा में जाते जाते बाबूजी शाम हो गया। रास्ते के बगल में एक बहुत बड़ा विराट बरगद का वृक्ष था। सोचलन कि काहे न आज रतिया ही बिता लोल जाए, एक तमहन के नसीब में आग लगल बा, आई जंगलों में आग लगल बा। वही बरगद के नीचे दोनों भाई लेट गिलन, लेकिन वही बरगद के वृक्ष के ऊपर दो पंछी निवास करते थे। कवि जी विदेशिया में भाव लिखत हुए मास्टर साहब, बरगद के पेड़ों पर तोता मायनावा हो, ताही नीचे विपदा में दोनों रे सुगनावा। मैना बोला तोता से, ए बाबू मधुरी बचनिया हो, अरे आज के मुहूर्त घड़ी कीमती बदनावा। मन सजे हमारे खाई, अरे राजा उतुरत होई, सकना ही तनी कुबा कहले कहनावा। अगिया में कूदी मैना, ए बाबू जनावा गवाई देहले, अरे पन्ना को खिलाए मोती सुतले सुगनावा। ए बाबू हो, दोनों भाई सुतल हुए, बड़का भैया पन्ना के नींद लगल, छोटा का भाई मोती जागल बड़न। दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे हैं कि आज का बहुत शुभ घड़ी है,
आज जो हमारा मांस खाएगा वो राजा हो जाएगा। मोती जागल हुए सुनत हुए इतना कह करके बाबू मैना बगल में आग लगल रहल वही अगिया में गिर गल और लगल फटफड़ाए हो बाबू। मोती सोच गिलन के यदि मैना के बात सही हो जाई तो हमार भैया राजा हो जी है। काहे ना वो मैना के मांस आन करके अपने बड़े भाई पन्ना के खियाए दे। बड़ा ऊंची बात सोचता है जा करके लान करके अपने बड़े भाई पन्ना को खिला करके बाबू पुनः दोनों भाई लेट जाते हैं। लेकिन कहानी ऐसे मोड़ लेतबा कुछ डाकुओं को एक लड़का का बाबूजी खोज था बलिदान चढ़ाने के लिए। अरे काली जी का बलिदान चढ़ावे बदे ओई में से सुबेर का टाइम बा आगे बढ़ल जात हमें रस्तवा से तब तलक नजरिया पड़ गई बाबू कि यहाँ तो हम लोग रात भर परेशान हुए कोई बालक नहीं मिला। लेकिन यहाँ तो दुई ठे वहां एक ठेक ले ला एक ठेक लोग उठौलन बड़का भाई पन्ना के और आगे बढ़लन। सुबह हो गयल मोती जब जागल हुए पंचो अगल बगल दिखलन तो भैया हैया ना हो आवाज दलन भैया लेकिन कहीं से जवाब ना मिलत बा। बिरहा में सोरठी से कबीर जी भाव दिलन अरे तब भैया भैया खोजे मोती बरस नया नवा रे भैया भैया खोजे मोती बरस नया नवा रे बरस जिंदा छोड़ देलू यह दुख सहे बदे अब जिंदगी भारी हो गई है माई दे देले हो तू ये माई जाना मत महूरा बाबू यार देखा मोती भैया के खोजलन लेकिन भैया से भेंट ना भइल मोती के वहीं जे छोड़ दा। यार पन्ना के डाकू लोग ले जा करके नहवा धोवा के काली जी के मंदिर पर बंदी बना के और टीका लगा के बलिदान चढ़ावे ला हुए। जयकारी गुंजन था काली माता की जय काली माता की जय। लेकिन वही जिस रास्ता बा कुंतलपुर के राजा कुलिंत वही जंगल से आखेट करके वापस जा रहे थे कान में आवाज सुनाई दिलस कि जयकारी कैसन बा। सिपाहियों का आदेश देते हैं कि जाओ पता लगाओ बाबा। सिपाही लोग जब गईलन देखलन थे सुंदर सा लड़का को डाकुओं ने घेर करके बंदी बना करके रखा है। देखे में लागत है कि अब एक बलिदान हो वाला हो।
हजूर फिर कलन की जा जाओ उस नौजवान को छुड़ा करके लाओ। गैला हाँ सिपाही पन्ना के बाबू ही छुड़ाई करके राजा कुलिंद के सामने लीलन। राजा कुलिंद पूछे लगला अपना परिचय बताओ, देखने में तो राजकुमार जैसा लग रहे हो। कहले कि हाय साहब, हाय राजा, सही कथी हम राजा चंद्रभूषण के बेटा है। आबीति सुनौलन बतौलन। राजा कुलिंद बड़ी ऊंची बात सोचलन, कहले कि हमारो एकठ लड़की बे, काहन अपने लड़की का शादी यही लड़का से कह दहिला। ए बाबू, आखिरकार राजा कुलिंद अपनी बेटी का शादी उस पन्ना के साथ में कर देते हैं। यहर मैना का बात देखा सांच निकल गल, पन्ना राजा हो गिले। अलहस प्रमाण मास्टर। हाय राम तो मैना के साची बतिया, अरे मैना के साची बतिया, अरे साँच हो गईले भैया। भैया कही के मोती ढूढ़ेला सगरी बाबू, और भैया कया दयावे अखिया हो लोरा, बड़ी मजे में और राजा पन्ना का समय बीतत बा। एक दिन राणा राजा पन्ना के साथ में भी घटना घट गल। का घटल? एक दिन हार गई रानी के चोराई पंचो, मेरा आदेश है। सबसे पहले जो मैं आदेश कह रहा हूं कर रहा हूं उसका पालन होना चाहिए। हाथ दोनों काट लिया अरे अखिया निसारी भैया, संजोग धीरे धीरे घूमत घूमत मोती ठीक वही रात में प्रवेश करत हूं। ढूंढत ढूंढत मोती अइल वही रे नगरिया भैया,
पन्ना के दुल्हन जौन रानी है, हार चोरी हो गल बड़ा शोक में ही, न खात थी न पानी पियत है, खटवास पटवास लेके सुत गईली। पन्ना राजा परेशान हो हम बताईला कि इ तिरिया हट भी बड़ा बरिया रह। राजा झुक गिलन कलन की का रानी बोला, कलन की नाम जौन हमार हार भुलाइल है, चोरी भल है, उ हार हमके चाही। कलन की ठीक बा, अपने सिपाहियन के बुला करके राजा पन्ना आदेश देते हैं कि ये मेरा आदेश है, आज से हमारे राज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। राती के यदि कोई चोर बेईमान टाइप मिल जाए, बदमाश, तो हमारे आदेश बस सबसे पहले उसका दोनों हाथ काट लेना। अरे हाथ काटने के बाद उसका दोनों आंख निकाल लेना। आंख निकालने के बाद मेरे सामने हाजिर करना, मैं उसे फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। वाह रे बाबू, ठीक वही दिन आधी रात के वक्त में मोती भैया के वियोग में प्रवेश कई गिले राजा पन्ना के राज में। आदेश के अनुसार सिपाही लोग पकड़ लेलन और सबसे पहले दोनों हथवा काट देलन भैया। अखिया को देखत मैं तो भैया के वियोग में अखिया तो अंधा हो चुकल बा। ले गिलन राजा के सामने, हुजूर हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इस चोर को पकड़ा है। राजा कहला, साबश जवाज, तुम इनाम देने लायक हो, इनाम के हकदार हो। सब लोग जान गल कि जवन रानी का हरवा चुरौले है चुरवा, उ पकड़ाइल बा, आ कल सुबह ओकर फांसी होई। दरबार खचा खच भरल बा, पंचू गले में फांसी का फंदा लगा है। और हम बताते हैं कि जेकर फांसी होला ओकरा सुकर अंतिम इच्छा पूछल जला। जरलाद ना राजा स्वयं पूछत हूं, बोल, अरे बोल, क्या खाना खाएगा, क्या पानी पिएगा? मोती कहलन कि नाये साहब, न हमके भूख लगल बा, न प्यास लगल बा, न हम खाना खाई न पानी पियब। यदि आपके इजाजत होत तो हमें अपन दुखड़ा सुनत। कहलन कि चल चल, जब यही तेरी अंतिम इच्छा है तो पूरा कर ले। का कहले, एक बात कहले आखिर लाइन में, सुनाए साहब आगे बताओ तुम्हें। अरे पन्ना मोती दो भाई सौतेली मतारी, अलछना लगा के दहली राज से निसारी। वहां से मथारी तमहन के जान से मरवावल चहलस, लेकिन जान बचा के निकलल गल। लेकिन आगे एक बरगद के वृक्ष के नीचे से हमार बड़का भाई पन्ना लापता हो गई। आज तक ना मिलन जेकरे वियोग में रोवत रोवत हमारे आंख अंधा हो गल। एतना ना ए साहब, एतने ना ए राजा, आज अंतिम क्षण भी आई गल, थोड़े ही समय तक खाली जीवित बानी हम ना, ये दुनिया के छोड़ के चल जाए। बा, इतनी बात जब राजा पन्ना सुनलन हो, कहलन का कहलन,
पति कही के पन्ना गरवा लगाए बाबू। बस अंत समय में मोती का प्राण पखेरू ई दुनिया के छोड़ के चल बसल। हम यही से कहिला कि अरे इश्क के आग में जलती है जब शमा हो के मदहोश खंजर उठा लेती है। अरे इश्क अपना पराया नहीं देखती, चाह नैनों का सुखुर सटा लेती है। कहानी है जैसे समाप्त भइल खानदान का परिचय मास्टर। गुरुदिन मोहम्मद राम सेवक सिंह शिवबदन की बानी कथन करें कभी हरिद्वार संग अंबिका बेचू ग्या।